हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ऐसा कहते हैं कि अगर टायर में समय समय पर हवा डलवाते रहे तो टायर की लाइफ और परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप टायर में कौन सी हवा डलवाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है संकल्प और आप देख रहे हैं मोटर सेल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नाइट्रोजन गैस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन गैस के एडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि टायर के रिम को कोई नुकसान नहीं होता नाइट्रोजन गैस के वजह से। तो क्यों नुकसान नहीं होता, क्या होता है, नाइट्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जो किसी भी टेम्परेचर पर किसी अन्य गैस के कांटेक्ट में आने से वो फ्यूज नहीं होता। तो ये बेनिफिट होता है नाइट्रोजन गैस का। अब क्या होता है, नॉर्मली अगर ऑक्सीजन गैस किसी और गैस के कांटेक्ट में आता है तो वो फ्यूज होता है। ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन गैस टायर में ऑक्सीजन, नॉर्मल गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, उससे क्या होता है टायर में ह्यूमिडिटी तैयार होती है। ह्यूमिडिटी तैयार होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि टायर के रिम को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस अगर डलवाते हो तो नाइट्रोजन गैस की वजह से जो टायर में ह्यूमिडिटी जो होती है वो नाइट्रोजन गैस की वजह से ह्यूमिडिटी की मात्रा कम रहती है, उसकी वजह से क्या होता है आपके टायर की जो रिम होती है वो उसे कुछ नहीं होता, या आप उसे बोल सकते कि नाइट्रोजन गैस की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये था फर्स्ट एडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड एडवांटेज के बारे में। तो सेकेंड एडवांटेज ये है, हर मौसम के लिए नाइट्रोजन गैस बेहतर होती है। तो नाइट्रोजन गैस नॉर्मल हवा के तुलना में अधिक ठंडी रहती है, तो उससे क्या होता है आपकी गाड़ी का माइलेज और परफॉर्मेंस हमेशा सही रहता है। तो ये था सेकेंड एडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब चलिए अब बात करते हैं थर्ड एडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो टायर के भीतर का तापमान हमेशा नॉर्मल रहता है, या आप उसे कह सकते हैं एक समान रहता है। टायर में नाइट्रोजन हवा डलवाने से टायर के भीतर का टेम्परेचर तो एक समान रहता है, उसकी वजह से क्या होता है जो अंदर का जो दबाव होता है टायर के, उसके वजह से आपके टायर के माइलेज और परफॉर्मेंस में बेहतर इम्प्रूवमेंट होती है। तो और क्या होता है, गाड़ी भी आपकी चलने में हल्की होती है। तो ये था थर्ड एडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो फोर्थ एडवांटेज ये है कि 90% कम चांस होते हैं टायर फटने के। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप नॉर्मल गैस डलवाते हो टायर में तो वो क्या होता है, आपकी अगर गाड़ी की रनिंग ज्यादा होती है तो गाड़ी का जो टायर होता है वो गर्म होने लगता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या, नॉर्मल गैस में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, उसकी अगर टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है तो वो फ्यूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, टायर फटने की चांसेस हो गए ज्यादा। नाइट्रोजन वैसा नहीं, नाइट्रोजन ऑलरेडी गैस ठंडी रहती है, तो वो क्या करता है गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में लगता है। तो इसकी वजह से क्या है, आपको करीब करीब 90% चांसेस फटने के कम रहते हैं। तो ये थे सब सारे एडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब ये डिसएडवांटेज आप नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन बोलते अभी क्या है, अगर आप नाइट्रोजन गैस और नॉर्मल गैस से कंपेयर करें तो नाइट्रोजन गैस नॉर्मल गैस से महंगी है। मतलब अगर हम ऐसा कंसिडर करके अगर आप फोर व्हीलर में नाइट्रोजन गैस डलवाने गए तो पर टायर की आपको कॉस्ट पड़ेगी 20 रुपीज। मतलब यानी अगर आप चारों टायर में अब अगर हवा डलवाने गए तो आपको करीब करीब 80 रुपये गिनवाने पड़ेंगे। तो ये बात, ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया। अब सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको नाइट्रोजन गैस इजीली अवेलेबल
होता है, लेकिन अगर आप रूलर रूलर साइड में रहते हो यानी विलेज में रहते हो, वहां पे आपको नाइट्रोजन गैस मिलना बहुत बड़ा बहुत बड़ी मुश्किल होती है। किसी के पास होती है, लेकिन अगर जिसके पास होती है वो उनका रेट बहुत महंगा होता है, तो वो ये एज अ नॉर्मल पर्सन मिडिल क्लास फैमिली के बंदों के लिए वो बहुत कॉस्टली होता है। तो ये था डिसएडवांटेज, यानी मेरे हिसाब से ये डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज का यही वीडियो था नाइट्रोजन गैस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं ऐसी मजेदार वीडियो आप तक हमेशा पहुंचा सकूं।